हेलो बच्चों, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट फोर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, एक किसी पार्टिकुलर समय पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी में दो इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट, दो चीजों में दिया हुआ रहता था, तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। लेकिन इसमें हमें किसी पार्टिकुलर टाइम का जो वेलोसिटी है, यानी उस टाइम पर जो पोजिशन का चेंज, पोजिशन चेंज करने का जो रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो चार्ट दिया हुआ है, एक ऐप है जो स्मार्टफोन से निकाला गया है। इसमें एक पर्सन बाइसाइकिलिंग करता है, तो साइकिलिंग जो करता है उसके मूवमेंट को वो ऐप मेजर करता है, और मेजर करने के बाद वो कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं इस डिटेल्स में क्या क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8.11 किलोमीटर और मूव मिनट्स 94 मिनट्स। तो हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे जो दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड आता है 5.21, यानी एवरेज स्पीड ही कहेंगे या एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। तो 8.21 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 94 मिनट्स लगा और इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया 5.21। और आगे देखते हैं क्या डिटेल्स दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है एक टिप टाइम, इसमें देखते हैं कि वो स्टार्ट करने के 10.17 मिनट्स पर था, तो उस समय उसका वेलोसिटी 5.83 किलोमीटर पर आवर था वो, और उसने डिस्टेंस उस समय कवर कर लिया था 1 किलोमीटर। उसी तरह देखते हैं जब उसका टाइम इलेप्स हो गया 15.38 मिनट्स, तो उस समय उसका स्पीड था 11.19 किलोमीटर पर आवर, वो उसके लिए डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर। तो ऐसा ही और आगे का भी दिया हुआ है, जैसे देखते हैं वो 1 आवर 10 मिनट्स 18 सेकेंड पर जब पहुंच गया, उसका टाइम इलेप्स हो गया, तो उसका जो वेलोसिटी था 3.26 किलोमीटर पर आवर, उसने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्पीड है वो चेंज कर रहा है, ये स्पीड जो चेंज कर रहा है अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। तो हम इस स्पीड को, इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो आपको कुछ तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट, जो है जो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो टाइम के साथ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो बॉडी का पोजीशन चेंज करने का जो रेट है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन थ्रू 3 मेथड्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए 3 मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड, तीसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो आइए हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। तो देखिए, हमारा जो इंस्टेंटेनियस हम वेलोसिटी निकालने का कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें तो एवरेज वेलोसिटी निकालने आता है, जैसे हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा था एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमारा जो टारगेट रहेगा, उसमें जो टाइम इंटरवल रहेगा, उसको हम लोग जीरो करेंगे या टाइम इंटरवल को जीरो के करीब लाने की कोशिश करेंगे, और जीरो के पास पहुंचने के बाद, टाइम इंटरवल जीरो के पास पहुंचता है, तो उस समय जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो
देखिए, हम लोगों ने पहले ग्राफिकल मेथड में एवरेज वेलोसिटी भी ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए सीखा था, तो उसका हेल्प हम लोग लेंगे। तो देखिए, हम लोग जो ग्राफिकल मेथड से एवरेज वेलोसिटी पहले निकाला था, जैसे ये जो ग्राफ है हमारा, ये इस पर पोजीशन एक्सिस है और इस पर एक टाइम एक्सिस है, और ये पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है जो P1, Q1, PQ2, P2 से क्रॉस करता है। तो हम इस पर ये दो पॉइंट लेंगे, P1 और P2। तो अगर हमें P1 और P2 पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इसे लाइन का जो टाइम एक्सिस के साथ जो स्लोप होगा वो हो जाएगा P1 और P2 पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये टाइम T1 था और ये P2 के पास जब पहुंचा तो टाइम T2 था। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी ये इस स्लोप के द्वारा निकाल सकते हैं। इस स्लोप का वैल्यू होगा, मान लेते हैं ये एंगल θ1 बना रहा है, तो इस स्लोप इक्वल टू हो जाएगा टेन θ1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन P1 P2। देखिए, हमारा जो टारगेट है, हम P पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का, तो हम क्या करेंगे कि टाइम इंटरवल को कम करते जाएंगे। हम P पर पहुंचने के लिए इधर से भी P2 से हम P की तरफ आएंगे और P1 से भी P की तरफ आएंगे। तो देखिए, हम P1 से Q1 पर पहुंचते हैं और P2 से Q2 पर पहुंचते हैं, तो क्या होता है, देखिए P1 से हम P2 पर पहुंचे उसी ग्राफ पर, तो और इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर दिए। ज्वाइन करने के बाद ये स्लोप मान लिए θ2 हो गया, एंगल θ2 हो गया। तो यहाँ पर Q1 और Q2 का जो स्लोप होगा वो tan θ2, तो Q1 Q2 का जो वेलोसिटी हो जाएगा, ये इसे Q1 Q2 का जो वेलोसिटी हो जाएगा ये स्लोप के इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा टू के इक्वल हो जाएगा। अगर हम और P के करीब आए, जैसे जैसे हम P के करीब आएंगे हमारा टाइम इंटरवल कम होता जाएगा। तो हम P के करीब आते हैं Q1 से चलकर और Q2 से चलकर, P पर जब पहुंच जाते हैं या जस्ट पहुंचने वाले होते हैं, तो उस समय टाइम इंटरवल हमारा 0 हो जाएगा। और देखिए, इसे जो लाइन जो ज्वाइन कर रही थी, P1 P2 लाइन जो ज्वाइन कर रही थी और Q1 Q2 लाइन जो ज्वाइन कर रही थी, P पर पहुंचने के बाद इस लाइन या लाइन का देखिए क्या स्थिति है, यह लाइन P पर टेंजेंट हो जाती है। तो P पर यह लाइन टेंजेंट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट P P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो P पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है टाइम एक्सिस के साथ, ये मान लेते हैं थीटा है, तो इक्वल हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। तो हम इस मेथड से हम एक अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो किसी पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें मानते हैं इस पॉइंट पर दिया रहेगा कि इस पॉइंट पर क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, मानते हैं एंगल θ3 बनाया, तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा टेन θ3। तो ये स्लोप हो जाएगा इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी में हमारा क्या था,
डेल्टा एक्स था यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था, और डेल्टा टी था, टाइम इंटरवल भी था। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमारा डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा टी भी टेंड्स टू जीरो। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, एवरेज वेलोसिटी जो हम निकालते थे, अगर इस मेथड से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0/0, तो ये मीनिंगलेस आ रहा है। लेकिन देखिए हमारा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ही, वेलोसिटी है ही। अगर ये कर्व है, पोजीशन टाइम का ग्राफ कर्व है, तो उससे के किसी कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर हमारा कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगा ही, वो वेलोसिटी मीनिंगलेस नहीं होगा। तो आइए हम अगला मेथड से देखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाई ए न्यूमेरिकल मेथड। तो इस मेथड से वेलोसिटी निकालने के लिए हम, ये अर्थ है और अर्थ से कुछ ऊंचाई पर एक बॉल है, तो इस बॉल को हम अर्थ पर ड्रॉप करेंगे। तो अर्थ पर जब हम बॉल ड्रॉप करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ये मालूम किया गया है कि जो पोजीशन है एक्स डिस्प्लेसमेंट, उसमें और टाइम में जो रिलेशन है 4.9 t² है। तो इस रिलेशन द्वारा हम अलग अलग टाइम पर हम अलग अलग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये मान लेते हैं एस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए जब टाइम टी था यानी इनिशियल पोजीशन पर था, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर हम यहां से 1 सेकंड के बाद, जब बॉल ड्रॉप करने के बाद 1 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो वो 4.9 आएगा। 1.5 सेकंड के बाद 11.025 डिस्प्लेसमेंट आएगा। हम टाइम को इसमें, इस फॉर्मूला में टाइम का वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलते जाएगा। तो इस मेथड द्वारा हम अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। जैसे 4 सेकंड पर बॉल आ, 4 सेकंड टाइम होने के बाद बॉल का पोजिशन है 78.4 मीटर। तो अब मान लीजिए कि हमें यह कहा गया कि जब बॉल 2 सेकंड पर था यानी ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो हम इसको निकालने के लिए देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पर्पस है 2 सेकंड पर हम टाइम इंटरवल को 0 कर दें। अगर हम टाइम इंटरवल को 0 कर दें तो हम 2 सेकंड पर वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर टाइम टाइम 0 है और यहाँ पर 2 सेकंड है, तो हम इन दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए जब टाइम 0 सेकंड है, टाइम 0 सेकंड है, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है x2 - x1/ टाइम इंटरवल। तो x2 में हमारा 2 सेकंड में कितना था, 2 सेकंड में 19.6 है, 19.6 मीटर / 2 सेकंड, तो ये हमारा आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह हम 0 सेकंड में निकाल लिए, 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 14.7, और सही 1.5 सेकंड में निकाले तो ये हमारा वेलोसिटी 17.5 हो गया। ऐसे ही हम 1.8 में निकालेंगे, 1.9, हम ऐसे करते करते जो हम 1.9, हम 2 के करीब करीब पहुंचने वाले हैं। तो जब देखिए हम 2 के पास पहुंचने वाले हैं 1.99, तो हमारा जो डेल्टा टी होगा, जो टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल क्या होते जाएगा, ये लगभग 0 के पास पहुंच जाएगा। हम 2 में से 1.99 माइनस करेंगे तो लगभग 0 के पास पहुंचेगा।
तो देखिए, तो टाइम इंटरवल जब जीरो के पास पहुंच रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है वो 9.551 है। तो हम यहां से स्टार्ट करके हम टू टू के पास पहुंचे। उसी तरह एक दूसरा केस लेंगे जिसमें हम फोर से स्टार्ट करके टू के पास पहुंचेंगे। तो फोर से स्टार्ट करके टू के पास पहुंचेंगे तो हमारा देखिए उसका उसमें हमारा जो टू के पास जब पहुंचेंगे उस समय हमारा वेलोसिटी क्या होता है। फोर सेकेंड से हम 2 सेकेंड पहुंचते हैं। ये हमारा 4 सेकेंड है पर पोजीशन है। तो देखिए हम T2 को 4 सेकेंड लिए, जो हमारा जो फॉर्मूला था वेलोसिटी निकालने का x2 - x1 / टाइम इंटरवल। तो हम T2 4 था, T2 4, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना हो गया, 2, 4 - 2 2 हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 टाइम 4 सेकेंड पर पोजीशन है 78.4 और 2 सेकेंड में 19.6। तो ये हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 29.4। तो देखिए 4 सेकेंड में हम लोगों ने जो वेलोसिटी निकाला वो आया 29.4। ऐसे ही हम 3 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 2.2, 2.1, 2.02, 2.01 निकालेंगे। तो 2.01 निकालेंगे उस समय पोजीशन, तो हमारा जो डेल्टा टी है वो लगभग 0 के पास पहुंच जाएगा। 2.01 - 2.01 तो लगभग 2 के पास पहुंच जाएगा। तो उस समय हमारा एवरेज वेलोसिटी 19.649 है। तो देखिए इन दोनों से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए जिस बॉल जिस रिदम के साथ वो गिर रहा था अगर उसको कुछ डिस्टरबेंस नहीं किया जाए, वो किसी से टकराए नहीं या कुछ दूसरा फोर्स आकर उस पर लगे नहीं, तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी 19.551 से कुछ ज्यादा होगा और 19.649 से कुछ कम होगा। तो हम तो ये एक लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। जैसे हम डेल्टा टी कम करते जा रहे थे तो हमारा देखिए ये जो डेल्टा टी कम करते जा रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले 9.8 था, 14.7 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते 19.551 हो गया। तो एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ये होगा 19.6। अगर हम उसके बाद इसको और कम करते जाए 1.999 या 0.1.9999, तो हम कितना भी कम करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा एक लिमिट पर आकर उसका फिक्स हो जाएगा। तो 2 सेकेंड में वो लिमिट हो जाएगा 19.6। ऐसे ही हम इधर से भी जाए तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कम होते 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 वो 19.6 पर आकर वो फिक्स हो जाएगा। उसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो ये हम इस तरह से हम किसी बॉडी का हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी, हमें अलग अलग टाइम पर बॉडी का अलग अलग टाइम पर बॉडी का अलग अलग पोजीशन पोजीशन चाहिए इसको निकालने के लिए। और इससे हम उसका अलग अलग टाइम पर हम उसका अलग अलग टाइम पर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे और हम डेल्टा टी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। डेल्टा टी को कितना कम करेंगे हम, डेल्टा टी को जिस टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हम डेल्टा टी को कम करते करते वहां पहुंचेंगे। तो जब वहां पहुंचेंगे तो हमारा डेल्टा टी लगभग 0 हो जाएगा, टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0। तो इस मेथड से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के फिजिक्स के बुक में दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। तो ये भी सेम उसी टाइप का है। इसमें एक ग्राफ है, एक ग्राफ है,
एक्स और टी के बीच के रिलेशन है जो एक्स इक्वल टू 0.08 टी क्यू, इसका एक ग्राफ है। तो इससे इक्वेशन के अनुसार ये पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज होता है। तो इस ग्राफ पर हमें 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड जब बॉडी 4 सेकेंड पर थी और उस समय बॉडी का पोजीशन पी है, तो उस टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो इसके लिए भी हम जैसा हम लोगों ने पिछले पीछे पिछले एग्जाम्पल में जो मेथड अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए हमें पी पर निकालना है, तो हम एक डेल्टा टी को पहले 2 लेते हैं। तो 2 लेने के लिए 4 से 1 सेकेंड इधर आते हैं लेफ्ट साइड और 1 सेकेंड इधर जाते हैं, तो हमें दो टाइम हमें मिल गया, एक 3 सेकेंड टी1 मिल गया और दूसरा T2 हमें 5 सेकेंड मिल गया। तो T1 और T2 पर हम पोजीशन निकाल लेंगे। तो देखिए T1 पर हमने पोजीशन निकाला इस इक्वेशन में, T1 का वैल्यू पुट अप करने पर ये आ गया 2.16। उसी तरह T2 का जो वैल्यू है 4 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड, उसको हम पुट अप करेंगे तो इसमें जो पोजीशन है वो आ जाएगा 10 10 मीटर। तो हम डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, ये दोनों पोजीशन का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डेल्टा एक्स आ गया 7.84000। और हमें जो वेलोसिटी निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो हम डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में डेल्टा एक्स था 7.84, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का वैल्यू आ गया 3.92। उसी तरह हम अब टाइम को हमें 0 करना है, तो हम टाइम को पहले हमने टाइम में जो इंटरवल था 2 सेकंड लिया था, अब हम 1 सेकंड लेते हैं। तो 1 सेकंड लेने के लिए हम आधा सेकंड इधर से आगे बढ़ते हैं और आधा सेकंड इधर से, तो 3 से आधा सेकंड आगे बढ़ने पर 3.5 पर पहुंचते हैं और 5 से आधा सेकंड इधर आने पर हम 4.5 पर पहुंचते हैं। तो इस टाइम पर 3.5 और 4.5 पर भी हम x1 और x2 का वैल्यू निकाल लेते हैं और हमें डेल्टा एक्स मिल जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स हो गया और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हम इसी तरह निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हमारा पहले वाले केस में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यानी एवरेज वेलोसिटी था 3.92, अब आ गया 3.86। अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा टी को और कम करते जाते हैं, अगर डेल्टा टी को 0.5 करें उसी तरह उसी प्रोसेस में और थोड़ा सा 3 पॉइंट से और आगे बढ़ेंगे और 4.4 से थोड़ा पीछे आएंगे, तो हमारा ये जो एवरेज वेलोसिटी आ रहा है 3.845। और टाइम इंटरवल को और कम करते हैं 0.1 सेकेंड करते हैं और थोड़ा हम 4 के करीब पहुंचते हैं, तो उस समय हमारा ये एवरेज वेलोसिटी आ रहा है 3.84। और देखते हैं कि जैसे जैसे हम टाइम को और कम करते जा रहे हैं और कम करते जा रहे हैं, तो 3.84 ही है एवरेज वेलोसिटी आ रहा है, और कम करने के बाद 3.84 पर इसका एक फिक्स हो जा रहा है, एक लिमिट, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे, लिमिटिंग लिमिटिंग वैल्यू। देखिए इस वैल्यू के बाद ये कम नहीं हो रहा है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो कम नहीं हो रहा है। तो देखिए हम जे अगर डेल्टा टी को हम एकदम बहुत कम कर दिया यानी दोनों का टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दिया, तो हम लगभग जो 4 है 4 सेकेंड के पास हम पहुंच जाएंगे। तो 4 सेकेंड पर देखिए उसका जो वेलोसिटी आ रहा है 3.84, जो उसके लिमिटिंग जो वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इस मेथड से हम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं। तो अगला मेथड है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हमें डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल कैलकुलस जो बच्चे का 11th में मैथ भी सब्जेक्ट होगा उन्हें तो मैथ में पढ़ाई होता होगा और उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें भी जो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से निकाला था उसी टाइप का थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसमें आगे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और इसमें ये
कोई फंक्शन है, मानते फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है, ये जो कर्व लाइन है वो y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। तो इसमें हम दो पोजीशन लेते हैं, एक p, p का कोऑर्डिनेट है x और y, और दूसरा पॉइंट लेते हैं इस ग्राफ पर q, q का जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x। देखिए यहाँ x था, x में हम डेल्टा x और आगे बढ़ गए तो ये q का पोजीशन हो गया। उसी तरह y कोऑर्डिनेट हो गया, y हमारा था यहाँ तक, यहाँ तक y था और इसमें हम डेल्टा y और आगे आ गए तो ये जो पोजीशन हो गया y प्लस डेल्टा y। तो हमें देखिए हमें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, जिस पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, मान लीजिए हमें इस ग्राफ में हमें पॉइंट P पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो हम जो Q से क्या करेंगे, Q से P पर आ जाएंगे। तो Q से जब P पर आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल, जो जो एक्स एक्सिस का जो इंटरवल है डेल्टा एक्स है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से यहाँ क्या है, ये डेल्टा एक्स है। तो जैसे अगर Q P पर पहुंच जाता है तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब डेल्टा एक्स से हम Q से चलते चलते हम P पर पहुंचेंगे तो देखिए ये जो PQ का ये जो PQ लाइन है वो क्या हो जाती है, वो हो जाएगी, देखिए जब हम Q से P पर आ गए तो जो PQ लाइन थी, जो P और Q को जो ज्वाइंट करती थी, वो यहाँ पर ये टेंजेंट हो गई। जैसा हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड में पीछे देखा तो यहाँ पर ये टेंजेंट हो गई। तो ये जो टेंजेंट हो गया ये तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में इस मेथड से भी निकाल देंगे कि इसका जो स्लोप है वो हो गया इस पॉइंट पर, इसका वेलोसिटी हो गया। और लेकिन देखिए हमें क्या है, डेल्टा एक्स एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, अभी मान लेते हैं डेल्टा वाई, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो हम देखिए अगर ये हमारा चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो देखिए इसमें हम अगर लिमिट लगा दें और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये, इसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव, और इसको हम लोग डीवाई बाय डीएक्स से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा डीवाई dy by dx। तो हम देखिए जब लिमिट चेंज हो गया, लिमिट जब जीरो हो गया तो डेल्टा वाई बाई डी एक्स ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब चेंज इन पोजीशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन पोजीशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कब, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो उसी तरह मान लीजिए हमें वेलोसिटी जब निकालना है, वेलोसिटी निकालना है तो उस केस में हम लिख सकते हैं dx by dt। तो ये क्या बताता है, dx by dt बताता है कि पोजीशन किसी और बॉडी का जो पोजीशन चेंज करने का जो रेट है वो किसी कब है, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो यानी डेल्टा टी जीरो के पास पहुंचने वाला है, उस समय जो
पोजीशन का चेंज होने का रेट है वो है, तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखिए अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी निकालने का हमें हमें कुछ फॉर्मूला है, जो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ, एक्स और टी में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो हम उस फॉर्मूला से डीएक्स बाई डीटी निकाल सकते हैं। जैसा आगे देखिए, सम यूजफुल डेरिवेशन। तो मान लीजिए हमें एक्स दिया हुआ है 5, इस केस में देखिए टाइम नहीं है, ये एक्स है, टाइम पर डिपेंड नहीं है, तो इस केस में डीएक्स बाई डीटी हो जाएगा 0, ये वाला केस। तो ये वाला जो केस हो गया, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जब रेस्ट पर है कोई बॉडी, रेस्ट पर है, उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ये मान लीजिए एक्स पोजीशन है, ये टाइम है, तो देखिए इसका टाइम के साथ ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये डीएक्स बाई डीटी हो गया 0, ये हो गया ये। और मान लीजिए कोई एक्स दिया हुआ है टी, तो डीएक्स बाई डीटी हो जाएगा, 1। और मान लीजिए कि एक्स दिया हुआ है 5 टी, तो डीएक्स बाई डीटी हो जाएगा 5। अब ए वाला केस देखते हैं, मान लें कि एक्स दिया हुआ है टी क्यू, तो इस केस में हो जाएगा डीएक्स बाई डीटी, ये जो पावर है इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, 3 और टी और 3-1, एन एक्स एन माइनस 1, ये हो जाएगा 3t². तो इस तरह हम dx बाई dt निकालेंगे, जो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगा। तो आइए जो हमारा बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेर ए इज 8.5 मीटर, बी इज 2.5 मीटर स्क्वायर, एंड टी इज मेजर इन सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 और एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, और ए और बी एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि जब हमें इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, जब टी इक्वल टू 0 है और टी इक्वल टू 2 है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंशिएशन मेथड से निकाल लेंगे। देखिए भी क्या होता है, डीएक्स बाई डी टी, तो डी डी टी एक्स की जगह हमारा ए प्लस बी टी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी टी स्क्वायर हो गया, और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 BT आ जाएगा। जैसे डीएक्स बाई डी टी क्या हो गया, डीएक्स बाई डी टी हो गया डी ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा बाई डी टी, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे डी, और ये हो गया ये प्लस डी, इसमें बी को बाहर कर देंगे, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। तो ये देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो जाता है 0, और प्लस बी, और ये पावर वाले का, पावर को हम बाहर करते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं, 2-1, तो 1 हो जाएगा टी, तो ये हो गया 2 BT। तो 2 BT में हमें बी का वैल्यू दिया हुआ है, और टी बी का वैल्यू हमें 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा ये जो वेलोसिटी आ गया, ये 2 BT का वैल्यू आ गया 5.0 t
ये आ गया मीटर पर सेकंड, और इसमें हमें पूछा है कि टी इक्वल टू 0 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो इसमें हम टी का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये हमारा टी सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और दूसरा पूछा है टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो टी का वैल्यू हम 2 रख देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच के एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्स का ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें हम टाइम का वैल्यू रख देंगे इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा उसमें डायरेक्शन भी होगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन ही होगा, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। और देखिए एवरेज स्पीड ओवर ए फिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा था एवरेज वेलोसिटी वाले में कि एवरेज वेलोसिटी जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से अधिक हो सकती है या इक्वल हो सकती है, लेकिन देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा इक्वल होगा, और लेकिन एवरेज स्पीड जो था वो या तो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है देखिए हम लोग जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो वेलोसिटी निकालते हैं उसमें जो टाइम इंटरवल होता है ना वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर, तो इतना टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि हम उस समय ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि उस समय बॉडी को चेंज करने का मौका ही नहीं मिलता है, इतना टाइम इंटरवल कम रहता है कि वो बॉडी अपना स्पीड को या डायरेक्शन को जो स्पीड है उसको उसको उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करने का उसको टाइम ही नहीं है, टाइम इंटरवल इतना कम है कि उस टाइम इंटरवल में अपना मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं कर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।